अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द मल्टी टास्कर। आज की हमारी रेसिपी है चिकन शामी। रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो पूरी देखिएगा, रेसिपी पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। आइए बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ, जिसके लिए हमने ले ली है 1 kg चिकन, 1/2 kg चने के दाल, 8 से 9 जवे लहसुन के, अदरक का टुकड़ा हमने 1 इंच लेकर उसे काट लिया है, गरम मसाला हमने लिया है 2 अदद दालचीनी, 7 से 8 अदद लौंग, 1 अदद बढ़िया इलायची, 1/2 teaspoon हमने ली है काली मिर्च और 1 teaspoon हमने ले लिया है ज़ीरा, 2 से 2.5 अदद हमने लिए हैं लीमू, लाल मिर्च हमने ली है 2 tablespoon, 1/2 teaspoon हमने लिया है गरम मसाला, 2 से 3 चुटकी हमने ले ली है हल्दी और 2 tablespoon हमने लिए हैं नमक, 10 से 12 अदद हमने ले लिए हरी मिर्च, पुदीना और हरा धनिया हमने लिया है, रायते में भी डालेंगे इसे और अपने शामी के मसाले में भी शामिल करेंगे। चिकन हमारा बोनलेस नहीं है, आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। आप बोनलेस चिकन लेके उसे पीस भी सकते हैं और उसके रेशे भी कर सकते हैं। अब मैं गोश्त को धोकर उबालने के लिए रख दूँगी। दाल को हम धोने के बाद साबुत गर्म मसाला, लाल मिर्च, नमक और हल्दी, लहसुन और अदरक, 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद हम दाल को गलने के लिए चढ़ा देंगे। 2 गिलास पानी डालने के बाद हमने दाल को उबाल लेंगे तेज़ आंच पर पानी को, फिर हम हल्की आंच कर इसको उबलने के लिए रख देंगे। दूसरे बर्तन में हमने चिकन को धो लिया है, अब हमें इसमें 1 teaspoon नमक ऐड करके चिकन को हल्की सी आंच पर रख देंगे, क्योंकि चिकन अपने पानी में भी पक जाता है, मज़ीद पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप इसे हल्की आंच पर रखें, चिकन जब अपना पानी निकल जाएगा चिकन का, ये उसमें पकता रहेगा तो फिर बेशक आंच तेज़ कर देगा। दाल को हमने 2 गिलास पानी ऐड करके चूल्हे पर रखा था, दाल हमारी मुकम्मल तरह से गल चुकी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है कि हम दाल को पीस लेंगे। दाल को हमने मशीन में पीस लिया है, चिकन को हमने उबाल कर रेशे रेशे कर लिया है, हरी मिर्च 10 अदद जो हमने ली थी उसे हमने बारीक काट लिया, हरा धनिया और पुदीना धोकर बारीक काट लिया है हमने, लीमू जो हमने लिए थे 2 अदद उसका हम रस निकाल लेंगे, 2 अदद बड़ी प्याज लेकर हम उसे फ्राई कर लेंगे, गरम मसाला हमने ऐड किया है 1/2 tablespoon, इन सब अज़ा को मिलाकर हम सही से मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्च टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो अपने मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। सही से हम इस सब को मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा बन चुका है, अब हम इसके शामी बना लेंगे। यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगी मैं आप सबको, दाल ज़रा सख्त रह जाती है तो हमारे शामी अक्सर टूटने लग जाते हैं, तो अगर आपके शामी ज़रा सख्त हो तो आप उसमें पानी ऐड कर सकते हैं और वो नरम हो जाएंगे, तो इस तरह आपके शामी सही से बनेंगे, टूटेंगे भी नहीं। शामी का थोड़ा सा मसाला लेकर हम उसे हाथ की मदद से गोल गोल शामी बना लेंगे, मुनासिब जो आपको सही लगे। हम इसे हाथ से इस तरह गोल टिक्की की तरह दबा दबा कर बना लेंगे सही से, ताकि हमारे शामी टूटे नहीं। और खाना बनाते वक्त सफाई का ख़ास ख्याल रखें, अपने हाथ धोकर फिर शामी बनाइएगा और मसाला भी तभी मिक्स कीजिएगा। शामी हमारे 4 से 5 अदद बन गए हैं, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। शामी फ्राई करने के लिए हमने अंडा फेंट लिया, अगर आपको अंडा नहीं पसंद तो आप ऐसे भी शामी फ्राई कर सकते हैं। शामी हमारे फ्राई हो रहे हैं, इन्हें पलट देंगे। शामी को हमने पलट दिया। आई मेड इट, शामी हमारे हैं बिल्कुल तैयार। सर्व शामी विद रायता। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।